बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? मुझे आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है वो है फेयर एंड लवली की बीबी क्रीम के बारे में। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप इसकी एप्लीकेशन कैसे स्मूथ और फ्लॉलेस बना सकते हैं, डूई फिनिश कैसे आ सकती है। वैसे तो ये फेयर एंड लवली बीबी क्रीम बहुत ड्राई सी होती है और अजीब सा, आपको अगर आपकी डाइट अप्लाई कर लेंगे तो आपको ये अजीब सी फिनिश देती है। तो आज मैं आप लोगों को उसके दो तरीके बताऊंगी कि आप कैसे इसको फ्लॉलेस बना सकते हैं। तो इसके अंदर आप देखते हैं, जैसे कि इसके अंदर एक है सन स्क्रीन भी होता है इसके अंदर, और इसमें फेयर एंड लवली भी इसमें एडिड है। तो इसके यूज़ करने का तरीका भी आपको नीचे बताया गया है। तो जैसे आपने यूज़ करना है, तो 40 ग्राम्स की ये मेरे पास इंडिया की है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊँगी कि आपने कैसे ये स्मूथ और फ्लॉलेस बना सकते हैं। तो ऑयली स्किन वाले तो ऐसे ही अप्लाई कर ले तो थोड़ी देर के बाद उनकी जो है अच्छा स्किन के साथ एडजस्ट हो जाती है, लेकिन जो ड्राई स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, उनकी स्किन पे जाके ये जम जाती है। ऐसे ही मेरी ड्राई स्किन है तो मेरी स्किन पे ये जाके जम जाती है, पैचेस बना देती है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊँगी कि आप लोगों ने कैसे यूज़ करना है। आप थोड़ी सी बीबी क्रीम ले लें और इसको आप अपने यहाँ पर भी आपने लगाना है, वहाँ पे लेके साथ में आप इसको थोड़ा सा लोशन के साथ अप्लाई कर लें। थोड़ा सा लोशन डालूंगी अब इसके अंदर मैं, ये देखिए बिल्कुल हल्का सा लोशन है, मैंने बहुत हल्का सी लिया, कोशिश करें ज़्यादा ना हो जाए। बिल्कुल हल्का सा अपने इसको अप्लाई कर लेना लोशन के साथ, इसको मिक्सचर कर मिक्स बना लेना अपना अच्छा सा। अब फिर जब आप इसको करेंगे ये बड़ी अच्छी से ब्लेंड हो जाएगी, स्मूथली ब्लेंड हो जाएगी। देखिए आप देख रहे हैं इसकी कितनी डूई सी फिनिश आ गई है लोशन की वजह से। तो ये आप इसको थोड़ी देर छोड़ देंगे तो बड़ी अच्छी हो जाएगी। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप इसको ब्रश के साथ अप्लाई करें। तो ब्रश के साथ अप्लाई करते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा तरीके से ब्लेंड होती है। मैं आपको ब्रश के साथ भी अप्लाई करके दिखा देती हूँ। कितनी अच्छी से ये ब्लेंड हो गई है, बिल्कुल भी ये पैचिनेस इसमें ज़रा भी नहीं आ रही। ये देखिए दिखाती हूँ, देखिए स्किन पे बिल्कुल भी पैची फील नहीं हो रही है। ये वाला देख लें आप, ये वाला देख लें, तो इसी तरह आप इसको ऑयल के अंदर भी यूज़ करके लगा सकते हैं और इसको फ्लॉलेस बना सकते हैं, क्योंकि इसकी ड्राइनेस की वजह से ये अच्छा जो है इफेक्ट नहीं देती। तो ऑयल के साथ भी मैं आप इसको करके ट्राई देख लें, क्योंकि ये लोशन के साथ तो उसने बहुत अच्छा टर्न आउट दिया। निविया क्रीम के साथ, अपनी निविया सॉफ्ट के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा ऑयल के साथ यूज़ करेंगे तो ये जो है ना इफेक्ट इसका अच्छा नहीं आएगा। तो अपने बस ज़रा सा हाइड्रेटिंग जिसमें इफेक्ट हो लोशन में वो वाला यूज़ करें। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और मेरी वीडियो को ज़रूर मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। आप वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ आप जाने से पहले आप लोगों का कुछ भी नहीं, एक पेन भी खर्च नहीं होगा। तो आप से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा प्लीज़, और लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।